आखिर हो ही गया यूनिफिकेशन, काफी सारी चीजें हमको देखने को मिली स्मैकडाउन में, क्या कुछ देखने को मिला चलिए शुरू कर लेते हैं। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक बात कह दूं, लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई आज थी स्मैकडाउन, काफी कुछ हमको स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिला। शो की स्टार्ट में हमको रोमन रैंक्स, दी उसोज और हीमैन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भाई रोमन रैंक्स आते हैं और कहते हैं एक्नॉलेज वगैरह करो। और उसके बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो आज जो ब्लड लाइन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन के निकलेगी यहाँ से जब जाएंगे हम सब लोग, हम जो तीनों लोग हैं टाइटल डबल डबल करके जाएंगे। जैसे कि भाई रोमन रैंक्स बात करते हैं जिमी एंड जे उसो की, कि आज वो दोनों टाइटल छीन लेंगे आरके ब्रो से, बन जाएंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टू नाइट। उसके बाद भाई हीमिन कहते हैं, पॉलीमिन क्या कहते हैं कि देखो रोमन रैंक्स जो है सबसे बड़ा है, वो कंपेयर करने लग जाते हैं, वो कंपेयर करते हैं रोमन को जॉन सिना से, वो कंपेयर करते हैं रोमन को ब्रॉक लेसनर से, वो कंपेयर करते हैं काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड से। और वो ये भी कहते हैं कि आज और एक लेजेंड्स बनने वाले हैं, वो है दी उसोज। वो आज भाई एक चीज़ उन्होंने कही यहाँ पे, वो कहते हैं कि जिमी एंड जे उसो हारेंगे इस मैच को, नहीं कम्पीट कर पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, तो फिर वो आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी में नहीं आएंगे, वो घर आपस नहीं आएंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे, ब्लड लाइन के अंदर नहीं आएंगे। वो जिस तरीके से भाई उनको चैलेंज मिल चुका था, अब देखो कैसे भी तैसे उनको जीतना था, क्योंकि ब्लड लाइन के अंदर अगर वो नहीं आएंगे तो भाई क्या चलेगा। इस तरीके से हमको स्टार्टिंग भी दिखाई देता है। अब नेक्स्ट जो आता है भाई वो है सैमी जेन वर्सेज शिंजू की नाकामोरा की मैच। यहाँ पे भाई काफ़ी बढ़िया था, सैमी जेन को दिखाना था कि वो ब्लड लाइन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, ये चैलेंज था सैमी जेन के लिए। और एक चीज़ थी रस्टी उनको बुला जा रहा था, उनके बालों को कमेंट था, उसके लिए भी उनको बताना था कि वो जीतेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पे वैसा कुछ होता नहीं है, सैमी जेन हार जाते हैं, सिंधु की नाकामोरा जीत जाते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। मुझे लग रहा था कि सैमी जेन जीत जाएंगे, क्योंकि मैच भी भाई सैमी जेन काफ़ी बढ़िया तरीके से जीते थे, इस मैच में भी जीत सकते थे, बट नहीं वैसे हुआ नहीं, हार गए यहाँ पे सैमी जेन, दिखा नहीं पाए कि वो भी डिजर्वर हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। उसके बाद जो हमको देखने को मिलता है भाई वो है भाई हैप्पी कॉर्बिन का सेगमेंट। हैप्पी कॉर्बिन आते हैं और फिर से भाई वही जो है अपने मैडकैप मूज की बुराई करने स्टार्ट लग जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैडकैप मूज अलग ही बंदा है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, वो अच्छी तरीके से डिजर्व नहीं करता, तो कुछ यहाँ पे ऐसे कहते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि भाई जो एंड्रे द जायंट ट्रॉफी है वो भी उसे डिजर्व नहीं करता, उसको नहीं लेना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे करते हैं। अब देखो उसके बाद जो हमको आगे चलते हैं, अब उसके बाद जो है हमको गंथर वर्सेस ड्रू ग्लैक की मैच देखने को मिलती है। ड्रू ग्लैक वर्सेस गंथर की मैच आपने देखा होगा पिछले स्मैकडाउन में, बैक स्टेज में इनकी फ्यूड स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे भाई ड्रू ग्लैक को जो चौक पड़ा था ना गंथर की तरफ से, बाप रे बाप। मगर यहाँ पे ऐसे ही लग रहा था कि भाई आज ड्रू ग्लैक का तो शामत ही आ गई, वो हार जाएंगे, मार खाएंगे, और यहाँ पे वैसा ही कुछ सीन हो जाता है, ड्रू ग्लैक भाई हार जाते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। अब भाई जो गंथर है भाई वो इतना बड़ा लॉक पकड़ चुके थे उनको, भाई गैजर भी बाहर थेर के तमाशा देख रहे थे, ड्रू ग्लैक भाई तड़प रहे थे, भाई बस करो। उसके बाद भाई रिकोशे आते हैं, रिकोशे आके भाई बचा लेते हैं ड्रू ग्लैक को। अब इसके अंदर मुझे कुछ समझाने की भाई रिकोशे को क्या ज़रूरत थी वहाँ आने की। उसके बाद जो हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिलती है भाई वो है रकेल गोंजालेस वर्सेस शॉर्टजी की मैच। यहाँ पे भाई शॉर्टजी बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे भी चांस मिलना चाहिए WWE वर्ल्ड चैंपियन के लिए, मैं भी जाना चाहती हूँ। अब देखो वहाँ पे क्या होता है कि शॉर्टजी जहाँ पे भाई रकेल आराम से जीत जाती है बिना किसी मूवमेंट के, ज़्यादा कुछ उनको करना पड़ता नहीं है, वो आराम से जीत जाती है उस मैच को। उसके बाद हमको देखने को मिलता है जेवियर वुड वर्सेस बुच की मैच, जहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा था इस मैच को देखने के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स हो रहे थे दोनों की तरफ से, जहाँ पे भाई जेवियर वुड आखिर में जीत जाते हैं। अब देखो कैसे ना तैसे जीतना ही था किसी ना किसी को, मैच अच्छी चल रही थी, फिर भाई मैच जीतने के बाद जेवियर वुड मैच जीतने के बाद भाई बुच फिर से आते हैं रैंप पे, जाते रहते हैं जेवियर वुड, फिर से भाई बुच आके जो अटैक कर देते हैं जेवियर वुड को, जहाँ पे शेमस वगैरह आके बुच को वहाँ से लेके जाते हैं, भाई बस कर अभी बहुत हो गया भाई। अब हम चलते हैं सबसे मेन इवेंट की तरफ। मेन इवेंट कौन सा था, आरके ब्रोज वर्सेस दी उसोस टाइटल यूनिफिकेशन मैच के लिए, ठीक है। जो भी हमने कहा था कि भाई डेव मेल्जर ने भी कहा था कि टाइटल यूनिफिकेशन नहीं होने वाला है, बट सबकी बातों को भाई झूठ कर दिया यहाँ पे WWE ने, कुछ अलग ही खेल दिया यहाँ पे। तो क्या होता है मैच के बीच में काफी सारी चीजें होती है, जिमी जे उसे लड़ते रहते हैं, उसके बाद भाई लिमिन और रोमन रिंग्स बीच में आ जाते हैं, पॉल लिमिन जो है रेफरी को इंटरफेयर करते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं, रेफरी उनको अटकाते हैं, भाई रोमन रिंग्स जो है ऊपर चढ़ के जो है रेडल को नीचे गिरा देते हैं, और वहां पे जो है मौका मिल जाता है जे उसो को, शायद जे उसो थे वहां पे, हाँ जे उसो ही थे, जे उसो खुद ही मारते हैं वहां से, जो अपना मूव है वो दे देते हैं। उसके बाद भाई 1 2 3 बन जाते हैं हमारे न्यू यूनिफिकेशन टाइटल चैंपियन, और रोमन रिंग्स के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ना भाई,
बहुत ही बढ़िया। मुझे वो मुस्कुराहट, वो जो स्माइल थी ना रोमन रेंस के फेस पे, वो स्माइल से भाई पूरा WWE जो स्मैकडाउन था वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हाँ, ज़्यादा मैच कार्ड्स नहीं बनाए थे, बैक स्टेज में काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने बैक स्टेज के अंदर कवर नहीं किया क्योंकि मुझे सिर्फ मैचेस कवर करने थे, तो मैंने मैचेस कवर किए हैं। और भाई जो भी था आज का स्मैकडाउन काफ़ी अच्छा था। आप देखते हैं व्यूअरशिप के ऊपर क्या सीन होता है। पिछली हफ्ते व्यूअरशिप बहुत ही गंदी आई थी, इस हफ्ते भाई टाइटल यूनिफिकेशन हुआ है तो शायद से अच्छी आ सकती है। तो भाई यही था, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ब्लड लाइन जो द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। तो यही था आज का वीडियो, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, चलिए बाय बाय।